नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, यदि 3 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 36 रुपये है, 3 किलोग्राम गेहूँ है और उसका मूल्य 36 रुपये है, तो 18 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हम बनाएंगे अनुपात समानुपात वाले दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे दिया गया है किलोग्राम, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे किलो ग्राम, और यहाँ पे दिया गया है मूल्य, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मूल्य। अब पहले कितने किलोग्राम का दिया है, 3 किलोग्राम का, कितना रुपए है, 36 रुपए है। इसी प्रकार से ज्ञात करना है 18 किलोग्राम का मूल्य, एक्स मान लेते हैं हम। अब जब भी बात आए कि कम का दिया हुआ है, यहाँ पे 3 किलोग्राम का दिया हुआ है, पूछ रहा है 18 किलोग्राम का, मतलब कम का दिया है और ज़्यादा का पूछ रहा है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, इसका इसके साथ जो है ऐसे, और ये हो जाएगा इधर से ऐसे, ठीक। और अगर ज़्यादा का दिया हुआ है और कम का पूछ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिया रहता है और यहाँ पे कम का पूछ रहा था, तो इसका इसके साथ गुणा करना है और बटे के रूप में ये आ जाएगा। अब क्या आएगा, तो एक्स बराबर 18 गुना 36 बटे में हो जाएगा हमारा 3। अब 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 6 18, क्या क्या बचा, 6 गुना 36। अब गुना करते हैं, 6 गुना 36 कितना आता है, तो 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, 6 दिया 18, 18 और 3 21, तो आया 18 किलोग्राम गेहूं का मूल्य होगा 216 रुपये। तो ये देखिए अनुपात समानुपात वाले दृष्टिकोण से अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।